तो इसे खाने से बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है। पेट में दर्द, गैस, कब्ज, कमर दर्द, खाना पचाना, पेट साफ, सीने में गर्मी। तो भैया पूजा की थाली है चतुर्विंशति पूजा 1100। ये लाइटिंग है भाई, तो शाम के करीब 7 बज रहे हैं। यह है सामने ऑनियन, यह है 3-in-1 रवा मसाला और ये बोरिंग का काम हो रहा है मंदिर के पास, जो हमारे गांव का सत्यनारायण मंदिर है। तो ये पानी की सप्लाई के लिए है, अब जमीन का पानी सप्लाई होता है। देख रहे हैं भाई दिन रात लगे हुए हैं। तो दुनिया भर की बीमारियों का इलाज है भाई के पास। दांत खुजली के लिए मरहम, कैसी भी दांत हो, क्या क्या है इसमें बता नहीं रहे, पर ये दुनिया भर की बीमारी का इलाज है। पेट दर्द, दांतों का दर्द, दांतों हाथों पैरों में सब चीज का। ये किस चीज का? ये खुजली का भाई। कितने की? ये कितने की? खुजली, खुजली, बवासीर, सब बवासीर की। कौन सी है? खाने की है, तो इसे खाने से बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है। क्या ये चूरन है, गोलियां है? है बवासीर की। कितने की? 550 की। दोनों एक महीना खाने से बवासीर में आराम। तो देख लो भाई। और ये दांतों पे लगाई लग गई, दांतों को अभी करो 10 मिनट तुम चलाते हो। वैसे ब्रश साफ करना पड़ता है दांत इससे, तो दांत साफ। तो भाई ये भाई यहाँ पर इन सब का प्रचार कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कहाँ से आप? यूपी में। कहाँ से हैं? सस्ती सस्ती दवाइयाँ हैं बीमारियों के लिए। ये किस चीज़ के लिए? गैस के लिए। ये गैस के लिए। सारी आयुर्वेदिक हैं तो भैया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं गारंटी के साथ। ले जाइए चूरन बालम खीरा। पेट में दर्द, गैस, कब्ज, कमर दर्द, खाना पचाना, पेट साफ, सीने में गर्मी, लेटरूम खुलकाना, पेशाब में जलन जाना, खांसी की शिकायत होना। और ले जाइए हिंग बटी पुदीना गोली। चक्कर से आने, जी मिस्ताना, जी घबरा। तो भाई इस्कॉन मंदिर के गेट पर हैं अभी। श्रीमती फूल वो ले रही है और यह है गेट, देख सकते हो। कृष्णा को ये भी घर लग रहा है। इस्कॉन मंदिर में आना हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा लगता है। इतना बहुत ज़्यादा बार नहीं आया हूँ पर अच्छा लगता है। बारिश का मौसम हो रहा है, बस बारिश ना आ जाए। तो भैया पूजा की थाली है चतुर्विंशति पूजा 1100, द्वादशा नवा पूजा 501, और उसमें एक एक या दो दो फ्रूट रखे हुए हैं, तो बहुत महंगा भाई। और ये द्वार है, मुख्य द्वार। इतना ही कहूँगा कि थोड़ा चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। यहाँ पर अनुदान है, डोनेशन ठीक है, पर ऐसे पूजा वूजा के लिए ज़्यादा पैसे लेना ठीक नहीं लगता मुझे। सभी
तो आरती अभी ख़त्म हो गई है, हम ऐसे टाइम पर पहुँचे हैं। तो यहाँ भी डोनेशन का तरीका है और यहाँ लिखा हुआ है भाई क्या क्या हो सकता है यहाँ। तो यहाँ बना जा सकता है प्लेटिनम नित्य सेवक, मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ 20,000। उसके बाद क्या क्या मिल सकता है वो बनने पर, वो लिखा है 5 बुक लार्ज ब्यूटीफुल फ्रेम के साथ, 12 मैगजीन डिलीवर एवरी मंथ। तो बहुत कुछ है, 20,000 रुपये डोनेशन है। तो आप पढ़ सकते हैं बाकी क्या क्या है यहाँ पर। चल ले लेते हैं भाई। ये लाइटिंग है भाई, तो शाम के करीब 7 बज रहे हैं और लाइटिंग अच्छी लग रही है, लाइटिंग शाम को ऑन हो जाती है। और ये लाइट है और ये रेशा है, पहचानते होंगे। सब कुछ सही है, सनातन का प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए अभी हम किसी चीज़ को बुरा नहीं कहेंगे, पर और अच्छा होता अगर खर्चा थोड़ा कम होता। चलो अभी यहाँ पर भोजनालय है, वहाँ पर चलेंगे, डिनर करेंगे। वैसे टाइम नहीं हुआ, पर अब घर जाके बनाएंगे तो अभी इतनी एनर्जी बचेगी नहीं। स्वयं सेवक है इस्कॉन के, गीता वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी बात है, भगवान इनका भला करे। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है, गोविंदाज रेस्टोरेंट। आप इसको किसी एक्टर के साथ मत जोड़ देना जो एक्टर है गोविंदा। ये है भाई चिदंबरम रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन है, हम लोग यहीं पर आते हैं, बहुत पॉपुलर है, तो वेटिंग बहुत होती है। अब भी देखो वेटिंग लग रही है, 5-7 मिनट के लिए बोला है। बाहर इनका जो अपना साउथ इंडिया का है स्नैक्स वगैरह वो है, सामान यहाँ से ले सकते हैं। और यह है हमारी खन्ना मार्केट। तो हम आ गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। तो अभी टेंशन ये है कि कृष्णा खाने कैसे देगा, आ तो गए यहाँ पर, स्पेस कम है, वैरायटी बहुत ज़्यादा खाने की और टेस्टी भी है, पर ये खाने कैसे देगा। और ये है भाई स्वागत के तौर पर दिया जाता है जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सांभर है। क्या खाएगी डीजू बता। तो डीजू को भी नहीं पता क्या खाएगी। और ये कृष्णा परेशान कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। ये है सामने ऑनियन, ये है 3-in-1 रवा मसाला और ये प्लेटर। तो ये आइटम अभी आ गए हैं।